नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे शर्मा SGS के बारे में। इस स्टॉक से रिलेटेड मैंने बहुत टाइम्स वीडियो बनाया दोस्तों, हर बार जो है कि पॉजिटिव कमेंट्री की, क्योंकि दोस्तों देखिए, सबसे पहले कोई भी ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे मार्केट में जो है कि शॉर्ट टाइम के लिए आया हूँ या मैं किसी को शॉर्ट टाइम से रिलेटेड जो कि वीडियो देखने के लिए प्रेरित करता हूँ। मैं जो भी बात करता हूँ लॉन्ग टाइम से रिलेटेड करता हूँ, न कि शॉर्ट टाइम के लिए। सेकेंड, अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ तो भविष्य में ये स्टॉक और भी तेज़ी दिखाएगा और आप कह सकते हैं कि मतलब कि आने वाले समय में नेक्स्ट इसको आप अंबर इंटरप्राइजेज बनता हुआ देख सकते हैं। एज ए प्राइस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, कैसा नहीं कि 6,000 रातों रात चला जाएगा, लेकिन हाँ उसमें आने वाले समय थोड़ा टाइम भी लग सकता है, थोड़ा नहीं बहुत टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या, हम जो है कि अभी इस स्टॉक को बाई कर लें? देखिए दोस्तों, बाई करना है नहीं करना है, लेकिन मेरे पॉइंट से इस स्टॉक में एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी तक की अगर बात करूँ तो बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हुए हैं। फंसे होने का मतलब क्या दोस्तों, कि 700 रुपये का रिसेंट में कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद देखा था अभी ये कंपनी 500-550 के आसपास चल रही है। मैं SGS टेक्नोलॉजी के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ तो 580 रुपये के आसपास ये कंपनी आज के दिन ट्रेड किया है, लगभग 2.5% की तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक में आज के दिन गैप अप कंपनी ओपन होती है और एक अच्छी खासी तेज़ी लगभग 590 के आसपास कंपनी जाती है, 590 रुपये के आसपास, उसके बाद 560 रुपये कंपनी का लो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो 7.5% की तेज़ी देखने को मिलेगी। एक महीने की बात करें तो लगभग 33% की तेज़ी देखने को मिल जाएगी। 6 महीने की अगर बात करें तो 6 महीने में आप कह सकते हैं कि 23-25% के आसपास है। हालांकि वाई टू डेट में देखें तो कंपनी आज भी डाउन देखने को मिलेगी। मतलब कहने का अर्थ दोस्तों कि रिसेंट में एक कंपनी ने ऑल टाइम हाई जो इसका लगभग आप कह सकते हैं 705 रुपये के आसपास लगाया था, जो कि अगर इसके आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यही जो है कि आपको 705 रुपये 700 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, सबसे पहले कंपनी करती क्या है इस चीज़ को जानो। हालाँकि दोस्तों अगर मैं कंपनी की बात करूँ, सबसे पहले आप यहाँ पे देखें जो कि आउट परफॉर्म सेक्टर देखने को मिलेगा, जो कि एक छोटा मोटा अपडेटर्स की अगर बात करूँ, इक्विटी के अकॉर्डिंग, मार्केट मोजो के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो एक मतलब कि ये भी जो है कि ट्रेंडिंग वाला स्टॉक है। मतलब इसके जो बिजनेस है दोस्तों आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, मैं बाई कर लूँ? नहीं दोस्तों, मैं बाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पॉइंट से जो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है दोस्तों क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कंपनी करती क्या है, कंपनी की अगर बात करूँ दोस्तों तो चेन्नई बेस्ड कंपनी है और शर्मा SGS टेक्नोलॉजी जो कि चेन्नई बेस्ड है, और ओरिजिनल मतलब कि आप कह सकते हैं कि इंगेज इन द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर सर्विस से रिलेटेड कंपनी काम करती है, जो कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनियां थे दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि एकदम टॉप पे, ऑल टाइम हाई पे भी कंपनी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर सर्विस और ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर से रिलेटेड कंपनी काम करती है। मेन कंपनी का जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है दोस्तों, सबसे पहले तो कंपनी करती क्या है, तो जैसा कि हमने आपको कंपनी के बारे में बता दिया, यहाँ पे जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी का, देखिए दोस्तों आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो फ्यूचर की भविष्य की मल्टी अगर क्यों बनेगी कंपनी, तो आपसे बताएं, देखिए प्रिंटर सर्किट बोर्ड जो है असेंबल करने वाली जो कंपनियाँ हैं उनमें अगर मैं बात करूँ तो अंबर इंटरप्राइजेज ने रिसेंट में किसी कंपनी के साथ टाई अप किया और आप देख सकते हैं कि अभी वो कंपनी कितना, लगभग 6,500-6,000 के ऊपर चल रही है। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि ये कंपनी मतलब ये जो प्रिंटर सर्किट बोर्ड है या जो भी कंपनी काम करती है मदरबोर्ड से रिलेटेड और DRAM RAM से रिलेटेड, अगर मैं बात करूँ USB ड्राइव से रिलेटेड, मतलब देखा जाए जो भी एक सॉलिड बिजनेस आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे अगर कंपनी की बात करूँ तो इंडस्ट्रीज क्या है दोस्तों, कि ऑटोमोटिव्स में भी यहाँ पे यूज होता है, कंज्यूमर में भी, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, ITs, सब जगह इसके प्रोडक्ट यूज होते हैं। क्लाइंट्स की अगर बात करूँ तो TVS मोटर इस कंपनी के क्लाइंट्स है ऑटोमोटिव में, और स्मिथ इंडिया वाटर प्रोडक्ट्स भी जो कि आप कंज्यूमर में भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। बोस इंजीनियरिंग भी है जो कि ऑटोमोटिव में कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे बहुत बड़े बड़े दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, टोटल पावर्स, बहुत सारा इसके जो कि देखने को मिल जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा हमको डीप में जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंजप्शन की एक भी अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं, डिक्सन तक दोस्तों, डिक्सन और जवीद SFO सभी इनके जो है कि मतलब आप कह सकते हैं कि क्लाइंट्स भी के तौर पर भी इनको आप देख सकते हैं। मतलब टॉप 3 कंपनीज जो अकाउंटिंग फॉर लगभग 28% का मार्केट जो है कि इन्हीं के पास देखने को मिलता है, जो कि सबसे बड़ा कंपटीटर में आप कह सकते हैं जो देखने को मिलते हैं दोस्तों कौन है, फ्लेक्सट्रॉनिक्स की अगर बात करूँ, JBL, डिक्सन टेक्नोलॉजी, आप कह सकते हैं SFO, बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी देखने को मिल जाएगी। मतलब स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी लगभग इनके पास कितने ऑर्डर बुक पड़े हैं, लगभग आप कह सकते हैं कि 3800 करोड़ के आसपास इनके पास ऑर्डर बुक भी पड़ा है। तो कहने का अर्थ है दोस्तों कंपनी ख़राब नहीं, कंपनी एकदम बेस्ट है। हाँ, जिनको भी बाई करना नहीं करना तो मर्जी, आपकी डिसीजन आपको लेना है, लेकिन हाँ इतना ही कहना चाहते हैं,
कि कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी, स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी देखने को मिलती है। और प्रमोटर की अगर बात करूँ तो 46-47% का स्टेक उनके पास है और डेट देखा जाए तो कंपनी के ऊपर इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेकेंड नंबर पर एज ए कंप्यूटर के हिसाब से, वेबसाइट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर के हिसाब से लगभग सेकेंड नंबर पर है। थोड़ा पी इस कंपनी का हाई है, कोई भी डेट आपको देखने को मिलेगा नहीं। और यहाँ पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ, देखिए प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप पीएनएल ये सब प्रॉफिट कुछ देखते नहीं है, बैलेंस शीट, तो हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं हमको देखने की ज़रूरत क्या है, कंपनी का सबसे पहले बिजनेस क्या है। कंपनी का बिजनेस जो है दोस्तों उसमें सेल्स लगभग 50% है, तो हमको क्या है सेल्स हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ इनके अच्छे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ में देखा है तो रिसेंट में माइनस देखने को मिले हैं, तो थोड़ा सा इसके कारण स्टॉक भी स्ट्रगल कर रहा है, मतलब एक कंसोलिडेशन फेस में। रिटर्न ऑन इक्विटी CGR की अगर बात करूँ तो ये लॉन्ग टाइम में अच्छे हो जाते हैं। यहाँ पे डेट देखेंगे तो कंपनी के पास 650 करोड़ का डेट है जो कि बढ़ते जा रहा है। तो हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है PLI स्कीम का कंपनी फ़ायदा भी उठा रही है, तो आने वाले समय में इसका भी इंपैक्ट पड़ते हुए दिखेगा। यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ FIs और DIs, मतलब देखेंगे दोस्तों तो बहुत सारे स्टॉक्स एग्जिट ले रहे हैं लेकिन इस कंपनी से कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहा है। 36% का स्टेक पब्लिक के पास भी देखने को मिल जाता है। अभी इस स्टॉक में अपने करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है, आप अपना खुद का एनालाइज करके चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन हाँ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अगर इस प्राइस पे आप बाई कर रहे हैं तो आने वाले समय जल्द से जल्द ये कंपनी 1000 के ऊपर ट्रेड करेगी, ऐसा मेरा मानना है। किसको लगता है कंपनी 1000 के ऊपर ट्रेड करेगी, आप चाहे तो उनको कमेंट कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टर अपने आपको फंसा हुआ फील कर रहे हैं, जो भी बाई करना चाहते हैं, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं बिंदास बाई कर सकते हैं, इसको एज ए रिकमेंडेशन के तौर पे मत लेना। हाँ, कोई भी फंसा नहीं है, बस टाइम दीजिए, होल्ड कीजिए, कंपनी आपको पैसा डबल भी बना के देगी। चलिए दोस्तों, बड़ी अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों।